हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट्स राजेश जून ने किया विशाल कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ। राजेश जून बोले, कांग्रेस की सरकार बनने पर फिर से दिया जाएगा खेल व खिलाड़ियों को बढ़ावा। राजेश जून ने गांव लोहारहेड़ी में भगवान महर्षि वाल्मीकि मंदिर में आयोजित मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में की शिरकत। ग्रामीण क्षेत्र में खेल प्रतियोगिताएं करवाने से छुपी हुई प्रतिभाएं सामने आती हैं। जसोरखेड़ी व लोहारहेड़ी गांववासी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने पहली विशाल हरियाणा स्टाइल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया है। यह बात हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट्स व बहादुरगढ़ हल्के से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता समाज सेवी आरजे अस्पताल के निदेशक राजेश जून ने जसोरखेड़ी गांव में बतौर मुख्य अतिथि रिबन काटकर कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए कही। संयोजक शमशेर पहलवान, कप्तान पहलवान व आयोजन समिति के सदस्यों ने मुख्य अतिथि राजेश जून का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया तथा बुजुर्गों ने पगड़ी बांधकर सम्मानित किया। कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ करवाने के उपरांत मौजूदा ग्रामवासियों एवं खेल प्रेमियों को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट्स राजेश जून ने कहा कि खेलों में भाग लेने से एक तरफ जहां शरीर मजबूत बनता है, वहीं शरीर निरोग रहता है। राजेश जून ने कहा कि क्षेत्र के खिलाड़ी कबड्डी सहित सभी खेल प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। राजेश जून ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा खेल व खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का काम किया गया था। हुड्डा सरकार में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पदक अनुसार सरकारी नौकरी, नगद इनाम राशि के साथ धनराशि व सम्मान देने का कार्य भी किया गया था। राजेश जून ने कहा कि बीजेपी सरकार के 8 वर्ष के राज में खेल व खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की बजाय गलत नीतियों के माध्यम से खिलाड़ियों को परेशान करने का ही काम किया गया है। आज प्रदेश के खिलाड़ियों को ना तो पदक के अनुसार सरकारी नौकरी दी जा रही है और ना ही उनका सम्मान किया जा रहा है। राजेश जून ने कहा कि हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तीसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनकर फिर से प्रदेश में खेल व खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का काम करेंगे। इस अवसर पर कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजकों ने मुख्य अतिथि राजेश जून को स्मृति चिन्ह भेंट कर पगड़ी बांधकर सम्मानित भी किया। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट्स राजेश जून ने रविवार को हल्के के गांव लोहारहेड़ी में भगवान वाल्मीकि मंदिर में मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में भी शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि राजेश जून का मंदिर समिति के सदस्यों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया तथा पगड़ी बांधकर सम्मान किया। इस अवसर पर राजेश जून ने मंदिर निर्माण कमेटी के सदस्यों को अपनी नेक कमाई से 11,000 रुपये की धनराशि सहयोग स्वरूप भेंट की और मंदिर में भगवान महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति स्थापित करने की बधाई भी दी।